एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आज के ताजे मौसम समाचार में। आपको बता दें मौसम को लेकर अभी एक फिर ताजा खबर निकल कर आ रही कि पश्चिमी विक्षोभ का अब फिर दिखेगा असर। इन जिलों में गरज चमक साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा के संकेत। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश के वो कौन कौन से जिले हैं जिनमें पश्चिमी विक्षोभ का अब फिर दिखेगा असर और किन किन जिलों में गरज चमक साथ बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवा के मौसम विभाग ने संकेत दिए हैं। इस वीडियो में देंगे हम आपको पूरी जानकारी। वीडियो को एंड तक देखें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मौसम समाचार में आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत यूपी के सभी जिलों में तापमान बढ़ने लगा है। यही नहीं, पिछले दो तीन दिनों से सुबह 8 बजे से ही चिलचिलाती धूप लोगों को परेशान कर रही है, जबकि दोपहर बाद सड़कों पर सन्नाटा भी नजर आने लगा है। लखनऊ मौसम केंद्र के मुताबिक अब पश्चिमी विक्षोभ दो दिनों तक मौसम खराब करेगा और लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की संभावना है। लखनऊ मौसम विभाग के मुताबिक तेज बारिश के कारण तापमान गिरने का असर आपको बता दें दो तीन दिनों तक रहेगा। इसी बीच लखनऊ का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस तक रहने का पूर्वानुमान है। जबकि उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों की अगर बात करें तो यहां वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और आगरा में अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है। वहीं आपको बता दें कि मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश के वाराणसी, प्रयागराज, झांसी और आगरा सबसे गर्म रहने वाले हैं। वहीं बरेली में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जाएगा। मौसम केंद्र लखनऊ के आपको बताने मुताबिक मोहम्मद दानिश ने बताया कि दो तीन दिनों बाद मौसम में फिर बदलाव होगा। पश्चिम विक्षोभ के चलते तापमान में गिरावट होगी जिससे गर्मी से राहत मिलेगी और एक बार फिर तेज हवाएं भी चलेंगी। साथ ही साथ कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम बिगड़ने के साथ लखनऊ समेत कई जिलों में तेज बारिश के साथ ओले गिरने की भी संभावना है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में एक बार फिर बारिश, गरज चमक और ओले का दौर शुरू होने के संकेत हैं। नए पश्चिमी विक्षोभ से राज्य का मौसम दोबारा बदलने वाला है। यूपी मौसम विभाग के मुताबिक आज हल्के बादल छाए रह सकते हैं लेकिन बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी इलाकों में हल्की तेज हवाएं चलने की भी संभावना है तो वहीं पूर्वी इलाकों में भी आज तेज हवाएं चलेंगी। इस सप्ताह के अंत तक गर्मी का असर तेज हो सकता है लेकिन कुछ इलाकों में पश्चिमी विक्षोभ का असर दिखाई देगा और अभी फिलहाल दो तीन दिनों तक झमाझम बारिश देखने को मिलेगी। अंत में आपको बता दें कि यूपी मौसम विभाग के मुताबिक दो दिनों तक बादल छाए रहेंगे, हवा सामान्य गति से चलेगी। नोएडा और गाजियाबाद से लेकर अधिकतम तापमान बढ़ने के आसार नहीं है लेकिन आपको बता दें दो तीन दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने और छिटपुट बारिश होने की संभावना यहाँ भी है। अंत में चलिए जानते हैं कि किन किन जिलों का कैसा रहेगा मौसम का हाल। नोएडा और गाजियाबाद में आपको बता दें न्यूनतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। वहीं अलीगढ़, मथुरा, आगरा की तरह भी दिन में वक्त में आपको बता दें आसमान में बादल छाए रहेंगे। मुरादाबाद से लेकर रामपुर तक भी आपको बता दें मौसम में परिवर्तन होगा। लखनऊ से लेकर गाजीपुर तक भी मौसम यहां आपको बता दें कि धूप के साथ आंधी तूफान आने की भी संभावना है। गोरखपुर की तरह भी आपको बता दें अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी।